Assalamu alaikum and good morning, students. Hope you are all fine. It's your computer class for grade 2. I'm your computer teacher, and now in this lecture, we are going to start a new chapter. Its name is Parts of Computer. Now, open your books and open page 22. In this lecture, we are going to learn about devices. There are two types of devices input devices and output devices. But in this uh, lecture, we are going to learn about input devices. Let's start reading. Input devices allow us to communicate with the computer. They are used to enter data and give instructions to the computer. For example, the keyboard, mouse, scanner, and microphone. इनपुट डिवाइस जो होती हैं स्टूडेंट्स वो हमें हेल्प करती हैं कि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें हम कंप्यूटर को कोई चीज़ दे सकें जैसे इनपुट फॉर्म में जैसे कोई नंबर्स वर्ड्स पिक्स साउंड्स और कोई भी फैक्ट्स उसको दे सके ताकि उस पर हमें वर्क करके दे सके इनपुट डिवाइस हमारे पास कौन कौन सी हैं कीबोर्ड माउस स्कैनर माइक्रोफोन ये फोर टाइप्स हैं इनपुट डिवाइसेस की ये आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे और समझेंगे इनके बारे में फर्स्ट इनपुट डिवाइस देखते हैं दैट इज़ कीबोर्ड द कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज़ ऑन इट वी कैन इंटर डाटा बाय प्रेसिंग वेरियस कीज़ दैट आर ऑन द कीबोर्ड कीबोर्ड डिवाइस जो है कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है और ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर बहुत सी कीज़ बनी होती हैं देखें आपके पास भी ऐसा कीबोर्ड होगा घर में या हम जब लैब में जाते हैं तो आपने वहाँ भी देखा होगा कि हमारे पास ऐसा कीबोर्ड होता है और ये इनपुट डिवाइस है इसके ऊपर बहुत सी कीज़ होती हैं इसको हम क्यों यूज़ करते हैं कि हाँ कोई डाटा जो है वो कंप्यूटर में इंटर कर सकें जैसे इसके ऊपर ये नंबर्स बने हुए हैं लेटर्स हैं इनको हम प्रेस करके कंप्यूटर में कोई भी डाटा इंटर कर सकते हैं नाउ मूव टू नेक्स्ट इनपुट डिवाइस माउस अ माउस हेल्प टू डू नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स विद द कंप्यूटर इट इज़ यूज टू पॉइंट एट And select items on the monitor. It is used to draw and paint. It is used to drag an item from one place to another. Students यह हमारे पास mouse है और ये भी input device है. ये भी आप लोगों ने अपने घरों में और अपने lab में हमने देखा देखा है. माउस हेल्पर्स टू डू नंबर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स विद द कंप्यूटर इट इज़ यूज टू पॉइंट एट द सेलेक्ट आइटम ऑन द कम मोनीटर इसको हम क्यों यूज़ करते हैं इसको हम किसी भी आइटम्स को जो मोनीटर पर हमारे पास होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए और पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट वर्क इज़ स्कैनर यू कैन सी हीयर इट्स द पिक्चर ऑफ़ स्कैनर जस्ट एज अ फोटोग्राफी जराक्स मशीन कॉपीज टेक्सट and my pictures from one paper to another a scanner copies the text and picture from a sheet of paper onto a computer students ye scanner ki picture hai aur ye kis kaam aata hai ye photo photocopying ke kaam aata hai photocopy karte hai cheezon ko और text को भी और pictures को भी photocopy करके आपको print form में दे सकता है ye next one is microphone a microphone is used to input sound into a computer it records our voice and other different sounds for example we can narrate a story and record it on the computer using a microphone nowadays headsets headsets which combine a headphone with a microphone are also available in the market students ये हमारे पास माइक्रोफोन बना हुआ है और ये भी इनपुट डिवाइस होता है और ये किस काम आता है अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू इनपुट साउंड कम्प्यूटर इट रिकॉर्ड्स अर वॉइज एंड अदर अदर डिफरेंट साउंडस ये हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करता है और अदर वॉइज़ को भी रिकॉर्ड कर सकता है आज इस लेक्चर में आपने स्टूडेंट्स इनपुट डिवाइस पढ़ी हैं और वो कौन कौन सी हैं की माउस स्कैनर और माइक्रोफोन ऑप्स हो कि आपको स्टूडेंट्स ये समझ आ गया होगा नेक्स्ट चैप्टर में इनशाला हम आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे अब तक आपने आप इसकी रीडिंग करनी है इन दोनों पेजेस की और इनको मामा के पास रीडिंग करनी और समझना है इनको कि आउटपुट डिवाइसेस हैं क्या नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी स्टूडेंट आपसे तब तक के लिए फेस